प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ, मैं हूँ रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि आज हम आपको हिंदी रीडर का चैप्टर 3 रीड करवाएंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? ईदगाह। बच्चों, ये ईदगाह जो है एक कहानी है। ये इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने एक दादी और पोते के प्रेम एवं स्नेह पर आधारित ये अनोखी कहानी लिखी है। तो बच्चों, आइए हम पहले रीड करते हैं। तो चलिए अपनी बुक अपनी ओपन कर लीजिए, रीडर बुक, और रीड करिए। चलिए, क्या है? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, सब बहुत खुश हैं। तो बच्चों, रमज़ान कब आती है? रमज़ान रोज़ों के पूरे 30 रोज़ों के बाद में आती है। तो क्या है? कितना मनोहर यानी सुंदर, सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। प्रभात यानी सुबह, कितनी सुंदर अच्छी लगने वाली सुबह है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में क्या है? अजीब रौनक है, आसमान पर अजीब लालिमा है, और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, क्या है? भागदौड़ है, रौनक है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और सब बहुत खुश हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, क्या है? प्रसन्न है यानी खुश हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी खजाना यानी अपने पैसे निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वो भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ ना जाने क्यों बीमार होती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी। तो बच्चों, क्या है? लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है यानी कि सबसे ज़्यादा खुश है, क्या है? सबसे ज़्यादा खुश है और बार बार क्या करते हैं? अपने जेब से अपने पैसे निकाल करके गिनते हैं। तो महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, यानी कि उसके पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। तो बच्चों, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। पर बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। वो भोली भाली सूरत का यानी कि सीधा साधा छोटा सा 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष यानी पिछले साल क्या हुआ? हैजे की भेंट यानी कि हैजे की बीमारी से मर गए थे और माँ ना जाने क्यों बीमार होती चली गई और एक दिन
मर गई। किसी को पता न चला कि उसको क्या बीमारी थी। तो बच्चों क्या है, ये ईद के ऊपर कहानी दी गई है, यानी कि ईद कब आती है और ईद रोजे की पूरे 30 दिनों के बाद आती है। तो ये एक गांव के बारे में बताया गया है कि आज ईद है और गांव में मेला लगा है और बच्चे मेला जाने के लिए खुश हैं। तो बच्चों बाकी का हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।